नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मंडेशा। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते के बारे में। यदि आपने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्लाई कर दिया है और आपका जो बेरोजगारी भत्ता अभी तक पेंडिंग है, यानी आपका बेरोजगारी भत्ता अप्रूव नहीं हुआ है, तो वो कौन सा कारण है? देखिए, जो कई ऐसे स्टूडेंट है, कई ऐसे बेरोजगार जो स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत सारी गलतियां कर रखी है। आपको मैं एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा कि उस गलती को यदि आप सही करेंगे तो ही आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मंडेशा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल साथ नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले गूगल क्रोम में आपको जनसूचना जो एम्प्लॉयमेंट का जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना। जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होगा। अब आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत समिति जो ब्लॉक वगैरह विलेज वगैरह वो आपको डाल के खोजे के बटन पर आपको क्लिक करना है। जिसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जॉब सीकर के यहाँ पे बहुत सारे जो जॉब सीकर अकाउंट है वो आपके सामने मिल जाएंगे। यहाँ 106 अकाउंट है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा, उसने ऐसी गलती कर रखी है कि उनका बेरोजगारी भत्ता अभी तक पेंडिंग में आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये जो एक ये बच्ची है, आप देख सकते हैं इस लड़की का, मतलब देख सकते हैं पेंडिंग में इसका जो डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, यानी इसको अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि इनका जो स्टेटस में यदि पेंडिंग आ रहा है तो पेंडिंग का मतलब पेंडिंग हो गया और बेरोजगारी भत्ता जो 4,500 रुपये मिलते हैं वो अभी इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका अप्रूव होने के बाद में ही मिलेगा। इन्होंने एक ऐसी गलती कर रखी है कि वो मतलब सोचने लायक है। तो देखिए, हम सबसे पहले अधिक जानकारी के ऊपर क्लिक करेंगे किसने कौन सी गलती कर रखी है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। जो फर्स्ट नंबर का एक ये ऑप्शन हो गया, सेकंड नंबर का ऑप्शन ये हो गया। तो आपको जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको पता चलेगा कि इन्होंने कौन सी गलती कर रखी है। अब आपके सामने आप देख सकते हैं, जो DEO शिकर ने इन्होंने एक नोटिफिकेशन इन्होंने डाला है, यानी इसने एक ऑब्जेक्शन दिया जिसमें लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन्होंने जो फॉर्म सबमिट किया था 2019 को, अभी 2022 चल रही है, आप देख सकते हैं 2019 को इन्होंने फॉर्म फिल किया था मार्च में। तो अब आपको मैं बता देना चाहता हूं, 2019 देखिए, 2019 के बाद में 2021 और अभी 2022 चल रही है, यानी लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका बेरोजगारी भत्ता वो अप्रूव नहीं हुआ, यानी 4,500 रुपये नहीं मिला है। तो देखिए, इन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी, वो आपको गलती नहीं करना है। और ये लड़की यदि अभी भी इसको मतलब सही करेक्शन करवा के यदि फॉर्मेट में मतलब अपलोड कर देती है आपकी खुद की SSOID में, तो इनका बेरोजगारी भत्ता वो शुरू हो जाएगा। तो देखिए, इनका जो मतलब ऑब्जेक्शन में आप देख सकते हैं क्या ऑब्जेक्शन में आ रहा है, आप देख सकते हैं, योर अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट हैज been back to citizen to you by district employment action Sikar district। आप देख सकते हैं Sikar का इन्होंने वो because of reason other remark attach photo of income declaration certificate, इन्होंने एक गलती कर रखी है, आप देख सकते हैं attested करवाना है photo of income डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय द अटेस्टिंग पर्सन ऑफ द फॉर्मेट के। एक फॉर्मेट के का एक ऑप्शन आता है, मतलब उसमें एक फॉर्म होता है वो के का, तो वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इन्होंने जो फोटो मतलब जो फोटो होती है, जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसमें फ़ोटो जो लगा रखी है, उस फोटो को अटेस्टेड करवाने के बाद में इनका बेरोजगारी भत्ता चालू होगा, अन्यथा इनका बेरोजगारी भत्ता चालू नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको यह गलती आपको नहीं करनी, यदि आप यह गलती करेंगे तो आपका मतलब जो बेरोजगारी भत्ता है वो मतलब रुक जाएगा। इसके अलावा आप और भी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मंडेशा। यदि आप हमारे YouTube चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।